तैयार हो गए हैं हम। आज तो बड़ा खुशी का दिन है हमारे लिए। काहे बताएं, क्योंकि जो हमारे वो है ना, आज हमारे साथ बिग बॉस देखने वाले। वो बोले हैं हमको कि एकदम तैयार होके रहना, मस्त में हम दोनों बैठ के साथ में बिग बॉस देखेंगे, मज़ा आएगा। आज तो हम बड़ी खूबसूरत लग रही, नज़र ना लग जाए हमको, खुद लगा लेते हैं, मज़ा आएगा। और जब वो देखेंगे ना, तो उनसे भी गपियाएंगे, खुद हम बिग बॉस को लेकर बातें करेंगे कि क्या हुआ। आ गई आ गई आ गई, अपनी सखी आ गई, रसीली आ गई। अरे रसीली, कैसी हो? हम बड़ी अच्छी हैं। और बता, देखो मेरा बाल देखो। वो है, कहा हो गया तुम्हारा बाल को? तुम काहे को चुटिया नहीं बनाई? अरे चुटिया नहीं बनाई का बात नहीं है, वो हमरे वो है ना, हाँ वो हमरे लेके गए रहे वो जहाँ सब सजावे दे जावे ना, सबके हाँ पार्लर कच्ची बोले हाँ पार्लर पार्लर वही ले गए रहे। बात, तुम्हारे बाल खूब मास्क। सुंदर लग रहे हैं, तम अच्छे लग रहे हैं। अच्छे लग रहे हैं ना, अब ले गए तुम लो रहे। हो रही हो धीरे धीरे मॉडर। हमको लगता है किसको देख के हो रही हो बिग बॉस के घर उनको में हम देख, हस्बैंड हस्बैंड बोल रहे हैं ना, तो खुश हो गए का? लगता तो यही है। अरे वाह, हम बड़ी खुश हैं हमारी रसीली के लिए। दीदी ये और बताओ बता, कि कल का देखे हो कि नहीं तुम बिग बॉस? तुम तो देखें का? देखेगी हो। हम तो देखेंगे ही, को सवाल हाँ सवाल होता है भाई। सही, कितना खराब लगा जीजी कल जो राहुल जैसे चला गया, हाँ, मुझे तो हम इतना हमका बड़ा अफसोस आया खराब लगा। मुझे। वो बहुत अच्छा खेल रहा था, और वो बहुत जब तक अच्छा, था ना, मज़ा आ रहा था देखने में। और जब रुबीना से लड़ाई करता था, हमको तो रुबीना और राहुल का लड़ाई बड़ा मज़ा आता था, पर बुरा बहुत लगा हमको बहुत तो, बुरा लगा जीजी, हमारा तो दिल टूट गया सच में। बहुत। पर हमको लगता है अच्छा हुआ। काहे अच्छा काहे हुआ? अरे वो चैलेंजर्स लोग आए हैं ना, अरे बाप, क्या बवाल बवाल को लेके आए, बाप दंगल रे, तो कराएंगे लगता दंगल है बिग कहेंगे। बॉस। अरे हमको लगता है वो लोग 6 लोग हैं ना, पूरा सर उठा घर सर पे उठा लेंगे। हमको लगता है कि बाकी जो 4-5 जो कंटेस्टेंट बचे, वो बेचारे साइड में हो जाएंगे, इनको ही फोकस कर अजी जी देंगे। हम आपको बताएं, हमको हाँ लगता है कि लोग सब जो घरवा के अंदर है ना, सब हाँ एकजुट हो जाएं, सब एकजुट हो जाएं, या हाँ ये इस सब चैलेंजर के बाहर हो खिलाफ हो जाएं। जाएंगे। हाँ, हमको तो ये ऐसा लोग भारी पड़ेंगे, फिर भारी आपस में फिर जो होगा वो तो होए बे करेगा। बिग बॉस में एगो तो लेगा जाएगा ट्रॉफी, देगा। और तो हो सकता है नहीं। तुमको पता है कल हम देख हाँ रहे थे ना, तो हमको ना मतलब वो अरसी है ना, वो अरसी के इरादे हमको निक नहीं लग रहे ओ, अभी। अभिनव को लेके बोल रही हो हाँ जी? हाँ, हाँ ये हमारे बात तो पति तुम पे कोई सही ऐसे डोरे डोरा डाल ले, डाल। हम तो ओके कूट दें। हाँ सही जी जी वो ऐसे बोल रही है कि आप देखो का होगा। अरे तुम अलग करोगी का? नहीं होंगे अलग, ना, लेकिन पति वो सही पत्नी भी कह है। रही थी कि कहीं ना कहीं वो जो डोमिनेट डोमिनेट सभी ना कह रहा कि डोमिनेट, तो अरे इसीलिए शायद कह रही है हमको तो जीजी। अभिनव भी दिखता है उसको डोमिनेट करते हुए, तुम नहीं देखी हो का? जब चुप चुप रूबी, चुप रूबी, चुप रूबी। जीजी हम तो शुरू से तो देखे नहीं ना है, तो अभी कोई बात देख नहीं, रहे हैं तो हम जो तुमको दिख रहा है बता रहे हो, वही। हाँ हम तुमको बता रहे, ये होता है दोनों एक दूसरे जैसे ही एक ये दूसरे। रखिया हमरे हाँ बड़ी अच्छी लगी दीदी, बड़ी अच्छी राखी, लगी, खूब हाँ ये जो एंटरटेनमेंट कहे है ना, हाँ ये अब ठीक भर भर के मिलिए। वो कह रहे इस ना स्टेज पे, हम एंटरटेनमेंट 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 दे। हाँ ये बात हाँ सही है जीजी। हमके लगा तो वो काला काला कुछ पहन के आया था, दाढ़ी वाला, वो वो कची नाम है उसका, मनु पंजाबी, मन्नू, मन्नू मनु पंजाबी, पंजाबी ये भी अच्छा लग रहा है जीजी। अच्छा तो लग रहा है। पर हमको ऐसा लगा था ओकर पूरा जो टारगेट है ना, हाँ वो पूरा रूबीना पे है, अभिनव हो सके रूबीना। जीजी, हाँ वो तो जैसे वो जैसे, हटवा के जजवा में काहे लगी रात दिल्ली? अरे वो जजवा पे गिरा रहे थे ना, वो सब बात कर रहे थे कि ये करियन, वो कई चैलेंज करियन, वो करी ना पसंद, ही ना पसंद, सब ऐसे। हमके तो रूबीना और अभिनव के लिए बड़ा डर लगा था। डरने की क्या बात है जीजी, अच्छा खेल जाएगी रूबीना, अच्छा खेल जाएगी। हमको तो ऐसे लगता वो है लोग वो जो का बोले हैं उसको, जो सच्चाई दिखावे है लोग में, बोले है ना कि फेक नहीं है, फेक का कची रियल रियल, रियल रूबीना रियल जीजी, तो हमको। रूबीना और अभिनव दोनों रियल है ना, तो वही आएगा जो आएगा। कल हमारी सास है ना, सास का बोला था पता है, वो विकास गुप्ता हमको निक लग रहा है। अब तो हम देखेंगे बिग बॉस, तो हम बड़े खुश हो गए कि अब हमको कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि उनको विकास पसंद है, हमको तो रूबीना और सब पसंद है, तो आप तो हमको सब अब कोई नहीं देखने रोकेगा। करेंगे, ये हाँ सही हो गया और जीजी, बिग बॉस में हमने अगर तो बात करें ना, हाँ विकास गुप्ता मास्टर माइंड तो वो तो मास्टर है माइंड लोग को बोले वो। हैं, हमको पिछले पिछले से साल हुए रहे तो उसमें भी तो आए रहे ना, हम देखे रहे हैं थोड़ा आए थोड़ा, रहे, अरे बड़ी वो अच्छा लेकिन बहुत खेले, अच्छा खेले, दिमाग बड़ी लब लब चले हैं। बड़ा स्ट्रांग है, काहे स्ट्रांग 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 स्ट्रांग। स्ट्रांग हमके लगाता है स्ट्रांग बहुत, पर स्ट्रांग हमके इससे लगाता है कि ना, हाउ जो जासमीन है ना, जासमीन वो कर पोल जरूर खोले।
हाँ खुली, लेकिन ना कभी कभी लगे ना जीजी क्यों भी लगे कि सच्चे बोले हैं हम, कहा करें जीजी हमारे हमको भी कभी कभी ऐसे लगे कि सच बोले जो है ना, ये जो बचकाना हरकत करे है, रोवे है, पीटे है, अपने आप को पटके सब लगे है ना कि मतलब सच लगे चाय ना, कभी कभी सच लगे जीजी। पर राहुलवा जैसे किया तो ना लग रहा था कि सच है, बड़ा उतम के रोया जैसे अगर हम रो दे ली पता, तो कहीं ना कहीं सबका ना पूरा वक़्त नहीं लेकिन कभी कभी ना सच्चाई तो तुम कितना फेंक रहोगे है ना जीजी, कहीं ना कहीं सच्चाई इसीलिए बात बात सही बोली तुम, तुमको पता है वो कश्मीरा कृष्णा का जो बीवी है कैसे तो बोला है जीजी की गिफ्ट ले लो, गिफ्ट ले लो, गिफ्ट ले लो, समझ में आता है ऐसे की बाप रे बाप, परेशान है एकदम परेशान है, और आप बोल दी है कि असलियत दिखाएगी जसमीनिया का, खूब असलियत दिखाएगी, हमको तो बड़ा फिक्र हो रहा है लेकिन हमको बस चाहिए कि रूबीना के सब ना परेशान करे, बार बार उनके डिवोर्स डिवोर्स का मुद्दा वो बोले हैं कि तुम बड़ी गुस्सा रहती हो आजकल, हम बड़ी गुस्सा हो गए, तुम आए भी नहीं करते हैं हमारे साथ, बैठ भी नहीं करते, हम के कल लेके गए और जाके वहाँ छोड़ के चले गए, वो बोले कि हमको चैलेंजर्स थोड़े अच्छे लग रहे हैं तो हम आओ तुम्हारे साथ देखेंगे, तो हम तो आज बड़े खुश हैं आज। चलो जी जी ठीक है, तुम क्या बोले थे वो एंजॉय करेंगे एकदम, जाओ चलो जी चलो भाई, तुम रसीली बड़ी अच्छी लग रही हो, बाल तुम ऐसे ही रखा करो। शुक्रिया जी। सो गाइज ये हमने कल के जो वीकेंड के वार में जो चैलेंजर्स ने आके धमाका मचाया है उस पर हमने अपने तरीके से अपनी बात रखी है, और मुझे तो कुछ कुछ कंटेस्ट जो चैलेंजर्स हैं वो काफ़ी धमाकेदार लगे हैं, आप बताइए। मुझे तो भाई पता नहीं अब क्या होने वाला है क्योंकि सबको चुन चुन के लाया गया है, तो भाई दंगल तो मचना ज़रूरी है, हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं इस चीज़ को अलग तरीके से जैसे हम आपके सामने लाना अब शुरू किया है हमने। आप इसे अगर अप्रिशिएट करते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, इसी तरह से आपको एंटरटेन करते रहेंगे। मैं हूँ शाइस्ता और मैं हूँ ज्योति, और हाँ कमेंट्स करके बताइए कि आपको चैलेंजर्स के अगर मैं बात करूँ तो कौन सबसे धमाकेदार लग रहा है, कौन चैलेंजर लग रहा है कि घर में बवाल कर देगा और धमाल मचा देगा, बताइए।